स्टार्ट किया जाए। पढ़ेगा मेरे यहाँ बहुत तेजी से पढ़ना शुरू हो गया। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेटवर्क इश्यूज इससे आ सकते हैं। आयनिक क्रिस्टल हम लोग पढ़ रहे हैं। आयनिक क्रिस्टल में आकर कुछ सीखे थे, व्हाइट्स वगैरह भी सीखे थे। अब कंपटीशन में थोड़ा बड़ा हो जाता है सिलेबस, अब इसका मैं क्या कर सकता हूँ। देखिए, लिखिए टाइप्स ऑफ आयनिक क्रिस्टल, टाइप्स ऑफ आयनिक सॉलिड। टाइप्स ऑफ आयनिक सॉलिड सबसे पहले इसमें आता है रॉक सॉल्ट टाइप। याद रखिएगा, ये सबसे ज्यादा यही आता है रॉक सॉल्ट टाइप। इसको रियल एग्जाम में NaCl टाइप भी लिखा जाता है। NaCl टाइप या रॉक सॉल्ट टाइप का मतलब होता है कि सोडियम क्लोराइड जिस तरीके से क्रिस्टल सिस्टम में पाया जाता है, इसी तरह से और भी आयनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं। लेकिन इतने सारे आयनिक कंपाउंड्स हैं, उनमें से बहुत सारे आयनिक कंपाउंड्स हैं जो इसी की तरह पाए जाते हैं। तो हमें क्वेश्चन में उस सॉल्ट का नाम लेगा और कह देगा कि उस सॉल्ट में आयनिक अरेंजमेंट आपको सोडियम क्लोराइड दे सकते। तो खाली उसको इतना ही कहना पड़ता है कि एक आयनिक कंपाउंड है विच क्रिस्टलाइजेज इन रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर इन NaCl टाइप। अब जैसे ही वो लिखा कि ये रॉक सॉल्ट टाइप है या NaCl टाइप है, इसका मतलब है इसका जितना प्रॉपर्टी है वो आपको रटा हुआ है, तब आप उस क्वेश्चन को बना पाइए। तो इसीलिए ये पार्ट थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव हो जाता है, ये पार्ट थोड़ा सा क्या हो जाता है, इंफॉर्मेटिव हो जाता है। ठीक है, न्यू चैप्टर नहीं है बेटा, सॉलिड स्टेट का आखिरी वाला पोर्शन अब चल रहा है। ठीक है, सॉलिड स्टेट का सेकेंड लास्ट पार्ट चल रहा है। कंपटीशन में ये सब भी आ जाते हैं, क्या करिए। एक स्ट्रक्चर तो आया है, इसको मैं थोड़ा डिटेल में बनाना चाहूंगा। ये बहुत सालों से आप किताबों में इस स्ट्रक्चर को देखा करते हैं, आज इसको आप खुद देख लीजिए। कम से कम एक तो डिटेल में सीख ही लेंगे।
जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहला चीज आपको ये ध्यान रखना कि NaCl स्ट्रक्चर में, NaCl स्ट्रक्चर में बड़ा कौन, NaCl स्ट्रक्चर में बड़ा कौन, तो बड़ा आपको क्लोराइड आयन होता है। तो क्लोराइड आयन जो होता है इसमें निकलना होगा, तो क्लोराइड आयन जो कि बिगर आयन होता है, ये आपको सीसीबी और एक सीसी अरेंजमेंट में पाया जाए। क्लोराइड आयन जो बिगर आयन है, ये आपको सीसीबी और एक सीसी अरेंजमेंट में पाया जाए। ये आपको सीसीबी और एफ सी सी अरेंजमेंट में पाया जाता है। तो बना लीजिए इसको, ये कहां कहां पाया जाए, एक दो तीन चार पांच छह सात सीसीपी अरेंजमेंट में 22 तो इतना तेज हो रहा है कि ऐसे लग रहा है कि हम बाहर का चल जाएंगे अलू नदी में, बारिश इतना तेज हो रहा है। तो सीसीपी अरेंजमेंट में क्या होता है, आपको कॉर्नर्स पर एक एक पैटर्न्स होते हैं और कहां से सारे फेस सेंटर पर भी एक एक पैटर्न्स होते हैं। तो उसको भी बना दिया है, एक दो तीन चार पांच और एक, सारे फेस सेंटर्स पर भी एक एक आइटम होता है और आठों कॉर्नर्स पर भी एक एक आइटम होता है। इसके अलावा ये जो सोडियम आयन होता है और जो स्मॉलर आयन कल आपको याद होगा मैं बताया था कि जो बिगर आयन होता है वो आपको मेन क्रिस्टल सिस्टम बनाता है। ये देखिए मेन क्रिस्टल सिस्टम बिगर आयन बनाया, और जो छोटा आयन होता है जो यूजुअली कटायन होता है वो व्हाइट्स में रखा जाता है। वो कहाँ रखा जाता है बेटा, व्हाइट्स में रखा जाता है। तो व्हाइट बहुत तरह का होते हैं, एक टेट्राहेड्रल व्हाइट होते हैं और एक ऑक्टाहेड्रल व्हाइट होते हैं। तो सोडियम आयन कहाँ होता है, सोडियम आयन होता है ऑक्टाहेड्रोफाइड होता है। सोडियम आयन कितना होता है, और ऑक्टाहेड्रोफाइड होता है। ऑक्टाहेड्रोफाइड कहाँ कहाँ बना दीजिए, ऑक्टाहेड्रोफाइड सभी एज के सेंटर्स पर होते हैं। ऑक्टाहेड्रोफाइड कहाँ होता है, सभी एज के सेंटर्स पर होते हैं। बना दीजिए, मैं उसको बनाता हूँ। ये है एज सेंटर, ये है एज सेंटर, ये है एक सेंटर, ये है, 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 और ये सारे आपको एक सेंटर तीन जगहों पर आपको क्लोराइड आयन होंगे। ठीक है, डायग्राम में देख सकते हैं, ये आपको किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्लोराइड आयन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये आपको किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, सोडियम आयन को इसका रिप्रेजेंट कर रहा है, सोडियम आयन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके अलावा ये सब आपको खुद याद रखना होगा, वो आपको हर क्वेश्चन में बता दीजिए सर, कोई आयन क्रिस्टल है और रॉक सॉल्ट जैसा पाया जाता है, बस उसका काम हो गया। अब आपका काम है कहीं पर की और डिटेल्स लाए, इन सब चीजों को आपको जवाब देना काम, इन सब चीजें आपको समझा और याद किया हुआ रहेगा तब आप उनका जवाब दे पाएंगे। ठीक है,
इसके अलावा आपको सिखाएंगे। इसके अलावा आपको सीखना है कि जो आप क्लोराइड आयन ये सब होते हैं, ये तो सीसीटी आयन है, सोडियम आयन क्या है, सोडियम आयन आपको ओके है तो वाइड है। ठीक है, तो टेट्राहेड्रल में वाइड क्या हो, टेट्राहेड्रल तो वाइड आपको खाली हो unoccupied. All tetrahedrals are empty or unoccupied. यहाँ पर एक चीज आपको और करना होगा, सोडियम आयन का वेट कितना है, एक और चीज सीखते हैं, जेड और एनएचसीएल क्या होगा, क्योंकि जब हम लोग आयनिक क्रिस्टल का डेंसिटी कैलकुलेट करके जाते हैं, जब हम लोग आयनिक क्रिस्टल का डेंसिटी कैलकुलेट करने जाते हैं तो वहां पर जेड लिखना पड़ता है और जेड एनएचसीएल के लिए कितना होगा यह हमें यहाँ से निकालना है और इसको निकालने में सीखना भी है कि निकालते हैं। ठीक है, देखिए इसको दो पार्ट में बांट दीजिए, इसको दो पार्ट में बांटा है, पहले जेड और एन ए प्लस कितना होगा, एन ए प्लस कहाँ कहाँ है, एन ए प्लस आपको ऑक्टाहेड्रल वाइट और एक ऑक्टाहेड्रल वाइट और कहाँ होता है, क्यूब के सेंटर पर होता है, एक ऑक्टाहेड्रल वाइट और कहाँ होता है, क्यूब के सेंटर पर होता है, तो एट सेंटर पर 12 है, 12 इनटू 1/4 plus 1/2 1 3 plus 1 2 4 ठीक है, एक क्यूब सेंटर पर भी ऑफ साइड पर है 8 into 1 by 8 plus 6 head center पर है 6 into 1 by 8 सोडियम आयन भी फोर होगा और क्लोराइड आयन भी फोर होगा, इसीलिए सोडियम क्लोराइड कितना हो जाएगा। चलिए पहले इतना नोट करिए, अब छोटा सा और चीज बचा, सोडियम वाला क्वेश्चन एक बार और देखिए, ये एज सेंटर पर, एज सेंटर वाले आइटम का 1/4 कॉन्ट्रीब्यूशन होता है इसके, ये देखिए क्या है, ये है आपको एक यहां होगा, एक यहां होगा और एक यहां होगा, एक दो, ठीक है, एक दो तीन चार, तो चार टुकड़ों में यहां का आइटम बनता है, इसीलिए एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह 12 का 1/4 और एक दो कंप्लीटली विदिन यूनिट से लाइक कर रहा है, इसलिए 1/1 उसको लिखते हैं, ठीक है, 1/1 उसको इसीलिए लिखा जाता है।
तो सोडियम आयन का तो हमने बता दिया, अब रहा क्लोराइड आयन। तो क्लोराइड आयन आपको फॉर्मूला को रिप्लेस करना है इसलिए 8 × 1/8 और 6 HS2 तो 6 × 1/8 तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 3 और आयन सोडियम का भी 4 है और क्लोराइड का भी 4 इसलिए NH2 का 4 नोट करिए हर इसमें सबसे ज्यादा सोडियम क्लोराइड ही आता है अब इसमें रेडियस के कैलकुलेशन को क्वेश्चन पूछे जाते हैं सोडियम आयन का रेडियस इतना है तो क्लोराइड का क्या होगा क्लोराइड का इतना है तो सोडियम का क्या होगा उसके लिए रिलेशन लिख दीजिए देखिए along the edge जाइए along the edge क्या होगा दो क्लोराइड आयन क्लोराइड आयन क्लोराइड आयन और बीच में क्या रखा गया था तो बीच में एक रखा गया सोडियम आयन क्लोराइड आयन क्लोराइड आयन और बीच में क्या रखा गया सोडियम आयन रखा गया ठीक है तो इसको हम लिख सकते हैं रेडियस ऑफ यहाँ देखो रेडियस ऑफ आयन रेडियस ऑफ कटायन रेडियस ऑफ कटायन रेडियस ऑफ आयन इसी के दो बार अनायन का रेडियस आया और दो बार कटायन का रेडियस टू टाइम रेडियस ऑफ कटायन रेडियस ऑफ अनायन इज इक्वल टू हाउ मच एज लेंथ के बराबर है इसको याद रखिएगा न्यूमेरिकल में आपको बहुत मदद करेगा ठीक है न्यूमेरिकल करने में आपको बहुत मदद ठीक और आर नहीं होगा क्या कटायन और अनायन का रेडियस बराबर होता है नो थर्ड स्मॉल फिगर क्या इंडिकेट कर रहा है थर्ड स्मॉल फिगर कहां है थर्ड स्टेट थर्ड ये आपको बता रहा है इफेक्टिवली इस यूनिट सेल के अंदर में सोडियम क्लोराइड के कितने मॉलिक्यूल बाइंड कर रहे हैं या कहिए कितने फॉर्मूला यूनिट बाइंड कर रहे हैं ठीक है किसी चीज को बतलाता हूं ये नोट कर लीजिए यही आपको काम आएगा अब इसमें एक चीज केवल और पूछा जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर एक ही चीज यहाँ पर इतना ही चीज आपको आएगा इन सबके कारण कोऑर्डिनेशन नंबर तो सोडियम आयन क्या होगा फॉर क्लोराइड आयन कोऑर्डिनेशन नंबर और सोडियम आयन क्या होगा एंड कोऑर्डिनेशन नंबर और क्लोराइड आयन क्या एक चीज देखिए ये जो आपका क्लोराइड आयन है इसका नियरेस्ट नेबर कौन होगा ये जो आपका क्लोराइड आयन है इसका नियरेस्ट नेबर कौन होगा जो इसका सटा हुआ ये है क्या नहीं सटा हुआ क्लोराइड है क्लोराइड है क्लोराइड सॉरी सोडियम 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 तो जिस तरीके से इसका देखिए एक्स एक्सिस के अलावा एक इधर है एक इधर भी होगा दो वाई एक्सिस के अलावा एक इधर है एक इधर भी होगा दो और दो चार एक इधर है और एक इधर भी चार और दो छह
तो क्लोराइड आयन का ऑर्बिटल नंबर कितना हो जाएगा? सिक्स। क्लोराइड आयन का कितना हो जाएगा? सिक्स हो जाएगा। एक बार और देखिए, क्लोराइड आयन का, क्लोराइड आयन का ऑर्बिटल नंबर, इससे इमीडिएटली सटा हुआ कौन है? सोडियम आयन। तो अलोंग द एक्स एक्सिस देखिए, एक यहां है, एक इधर भी है, दो इसको एक्सिस को आगे बढ़ाएंगे, एक यहाँ है तो बाहर आते हुए, दो दो चार, एक नीचे है तो ऊपर जाते हुए, चार दो छह, यही छह। हाँ, दूसरा वाला, दूसरा इंजेक्शन का प्रियांशु, ठीक है। अब रहा क्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन का इमीडिएट नेबर कौन कौन है, ठीक है। ए बाई टू पर देखिए, ये भी है, ए बाई टू पर ये भी, ए बाई टू पर ये भी है, पर ए बाई टू पर एक दूसरे यूनिट सेल में बाहर भी है। तो दो एक्स एक्सिस के लॉन्ग, दो वाई एक्सिस के लॉन्ग और दो जेड एक्सिस के लॉन्ग, इसलिए इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? सिक्स। कितना हो जाएगा? सिक्स। और इसीलिए रियल एग्जाम में सिक्स इज टू सिक्स रेशियो भी लिखा हुआ रहता है। क्या लिखा हुआ रहता है? सिक्स इज टू सिक्स रेशियो भी लिखा हुआ। अब एक क्वेश्चन पूछा गया सनी केसरी का, सनी केसरी ने पूछा है कि ये वाले नंबर कितने हैं, लेकिन ये अलोंग दी एज ग्रुप है, ये क्लोराइड आयन है, ये भी क्लोराइड आयन है, और बीच में रेड वाला कौन है? सोडियम आयन। टचिंग कंडीशन होता है, ये रेडियस किसका होगा? एनायन का। ये किसका होगा? एनायन का। और ये किसका होगा? कटायन का। तो दो बार में रेडियस आएगा, तो दो बार रेडियस ऑफ कटायन और दो ही बार रेडियस ऑफ एनायन, ये किसके बराबर होगा? एज लेंथ के बराबर होगा। सनी कैसे? यस, आयोनिक क्रिस्टल क्या होता है? स्पेस लैटिस होता है, जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ यूनिट सेल्स अरेंज होते हैं। किसी एक यूनिट सेल, पढ़ाया हुआ है कि कोई भी एटम, पार्टिकल, आयन, क्वांटम, ये सारे आपको एक से ज्यादा यूनिट सेल के बीच में भी शेयर कर सकते, ठीक है। मासी, मासी सोडियम क्लोराइड के बारे में इतना ही पता है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन सोडियम क्लोराइड का ही आता है, इसका क्वेश्चन का बोर्ड वगैरह में भी आ जाता है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्लोरीन का फिर से, ये देखो, ये है क्लोरीन, ठीक है। तो मान लो एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, एक नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलावा तो एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलावा भी होगा, एक नेगेटिव वाई एक्सिस के अलावा तो एक पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलावा होगा, एक नेगेटिव जेड एक्सिस के अलावा तो एक पॉजिटिव जेड एक्सिस के अलावा होगा। प्रियांशु, प्रियांशु, दो एक्स एक्सिस के अलावा, दो वाई एक्सिस के अलावा एंड दो जेड एक्सिस, टोटल सिक्स, और इसी सिक्स से आता है आपको सिक्स बाई सिक्स, बस इतना ही आपको समझ। मैं टोटल चीज इसका सिखा दूंगा, ठीक है। ये हो गया सोडियम क्लोराइड, सबसे ज्यादा डिटेल में आपको सोडियम क्लोराइड का ही पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद आपको आता है दूसरा सीजीएम क्लोराइड है, सीएससी का। CaCl type, CaCl type का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो,
दूसरा जो आता है सबसे ज्यादा वो CSCF है। इसमें क्लोराइड आयन 8 कार्बन्स हैं। आठों कार्बन पर तो क्लोराइड आयन होता है। आठों कार्बन पर क्या होता है? क्लोराइड आयन होता है। और सीजियम आयन इसमें केवल बीचों बीच होता है। ये कौन है? सीजियम प्लस। और ये कौन है? क्लोराइड। ठीक है, तो क्लोराइड आयन किसमें पाया गया? सिंपल क्यूबिक में पाया गया। क्लोराइड आयन किसमें पाया गया? सिंपल क्यूबिक में पाया गया। आठों कार्बन पर केवल इसीलिए सिंपल क्यूबिक में सीजियम आयन किसमें पाया गया? At the body center of the cube. At the body center. कहाँ पाया गया? At the body center पाया गया। ठीक है? इसमें टचिंग कंडीशन कहाँ होता है? तुम्हें बता दूँ, टचिंग कंडीशन इसमें यहाँ along the cube diagram. Along the cube diagram. Touching condition. Along any cube diagram. Any cube diagram तो करिएगा। तो क्यूब डायगोनल का कितना लेंथ होता है? ए। अगर ए लेंथ हो तो रूट 3a होता है आपको क्यूब डायगोनल। ठीक है, तो ये क्या है? ये अनायन, रेडियस ऑफ अनायन। ये क्या है? रेडियस ऑफ अनायन। और यहाँ दो बार क्या है? रेडियस ऑफ कटायन, रेडियस ऑफ कटायन आएगा कि नहीं? दो बार रेडियस ऑफ अनायन आएगा, दो बार रेडियस ऑफ कटायन, टू टाइम्स रेडियस ऑफ कटायन। याद रखिएगा, न्यूमेरिकल की ही सबसे बनेगा। अब इसमें केवल एक ही चीज आपको ऑफ सीखना है, और वह कोऑर्डिनेशन ऑफ सीजियम प्लस एंड क्लोराइड। एक चीज देखो, सीजियम आयन इमीडिएटली एक क्लोराइड आयन से बॉन्डेड है। इसलिए सीजियम आयन कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो जाएगा। अब रहा क्लोराइड आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? एक चीज बताओ, टचिंग कंडीशन कहां लगाए हो? क्यूब डायग्राम पे। तो ये दोनों एटम एक दूसरे को टच तो करेंगे नहीं, है ना? टच तो ये सेंटर पर करते रहे। एक चीज देखो कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी कहां से आया? कोऑर्डिनेशन नंबर उसका कहां से आया? तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर समझने के लिए आप इसको ऐसा समझो, जैसे समझिए कि ये मेरा कमरा है, ये मेरा कमरा है। ठीक है, ऑब्वियसली कमरा जो होता है उसका कॉर्नर जो छत वाला लेते हो वो कॉर्नर जो होता है, ठीक है, वहां 90 डिग्री एंगल बना होता है। ठीक है, एक चीज बताइए, इस कमरे के बगल में एक कमरा हो और एक उस साइड एक कमरा हो और उन दोनों कमरों के बीच में एक कमरा हो, मतलब नीचे कहिए छत के नीचे, तो उस कॉर्नर को शेयर करते हुए चार कमरा बनाया जा सकता है और छत के ऊपर भी उसी कॉर्नर को शेयर करते हुए चार कमरा बनाया जा सकता है। तो चार और चार कितना कमरा उस कॉर्नर को शेयर करते हुए बनाया जा सकता है? 8 कमरा बनाया जा सकता है। और अगर वहां पर एटम रखा हुआ होगा तो उन 8 कमरों के बीच में शेयर होगा कि नहीं होगा? ठीक है, अब सोचिए उस एटम का
वो जो कॉर्नर है उस एटम का टचिंग कंडीशन क्या है, उस कॉर्नर पर रखे गए एटम का टचिंग कंडीशन है इस वाले कमरे का बॉडी सेंटर पर रखा गया एटम। इस कॉर्नर पर रखे गए एटम का टचिंग कंडीशन कौन है, इस कमरे के बॉडी सेंटर पर रखा गया एटम। तो ऐसे ऐसे एक कैमरा बगल में दूसरा कैमरा, तीसरा कैमरा, चौथा कैमरा, छत के नीचे चार एटम और छत के ऊपर भी चार रूम है इसलिए चार एटम, चार चार कितना होगा आठ एटम होगा, इसलिए आपको क्लोराइड आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा एट होगा। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या करते हैं एट इज टू एट करते हैं। और अगर यहाँ डेंसिटी निकालने के लिए कह दिया जाए तो जेड कितना होगा, जेड देखिए सीजियम आयन कंप्लीटली एक आयन इसके अंदर लाई कर रहा है और क्लोराइड आयन देखिए आठ है लेकिन सबका कॉन्ट्रीब्यूशन सीजियम तो एक है पूरी तरह से और क्लोराइड आयन देखिए आठ है लेकिन वन बाई एट वाला है तो कितना हो जाएगा सी एस सी एल यानी कि जेड का वैल्यू कितना हो जाएगा वन हो जाएगा। तो जब भी आप डेंसिटी के लिए इसको यूज करेंगे, जब भी आप डेंसिटी के लिए इसको यूज करेंगे जेड का वैल्यू यहाँ पर वन लिया जाएगा, जेड का वैल्यू कितना लिया जाएगा आपको वन लिया जाएगा। ठीक है नोट करिए। जेड का वैल्यू वन है, जेड का वैल्यू वन है। अरे बेटा क्लोरीन एक है, एट इंटू वन बाई एट क्लोरीन वन है और सीजियम भी वन है। ठीक है तो नंबर ऑफ एटम तो होगा लेकिन सीजियम क्लोराइड कितना होगा, एक पेन है और एक उसका ढक्कन है जोड़िएगा तो एक और एक दो हो जाता है तो उसको जोड़ने पर एक ही होता है। हद हो तुम लोग, जोड़ घटाओ में भी तुम लोग लिचा पत्थर करते हो। देखो यार एक पेन है और एक ढक्कन है, एक और एक जोड़ रहे हैं देखिए दो हो गया ना, देखिए तो दो हो गया ना, जेड का वैल्यू वन है। ठीक है अब एक बार इसमें और हम लोग समझ लेते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्लोराइड आयन का 8 कैसे हुआ, क्लोराइड आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 कैसे हुआ, इस चीज को हम लोग एक बार और समझ लेते। ठीक है देखो आप अपने रूम में किसी एक कॉर्नर को पकड़ लीजिए, मैं बोलते जाऊंगा आप सुनते जाइए, आप अपने रूम में एक कॉर्नर को पकड़ लीजिए जो छत से जुड़ा हुआ है। ये जो छत के नीचे ऐसे ऐसे चार रूम बनाए जा सकते, एक रूम जिसमें आप हो,
एक उसके बाएं में, एक दाएं में और एक उसके डायगोनली अपोजिट बनाया जा सकता है कि नहीं, बनाया जा सकता है कि नहीं बनाया जा सकता है? गौतम, छत के नीचे उस पॉइंट को शेयर करने वाले चार कमरे बनाए जा सकते हैं, एक जिसमें आपको एक उसके दाएं में, एक उसके बाएं में और एक उसके डायगोनली अपोजिट। इसी तरह से उस कॉमन, उस कॉर्नर को शेयर करते हुए छत के ऊपर भी चार कमरे बनाए जा सकते हैं, यानी कि उस एटम जो उस कॉर्नर पर रखा गया है वो आठ यूनिट सेल में शेयर हो। जो एटम वहां पर रखा गया है वो एट यूनिट सेल्स के बीच में शेयर हो, और हर यूनिट सेल के अंदर में बॉडी सेंटर पर एक एटम रखा गया है, उस कॉर्नर पर क्लोरीन एटम रखा हुआ, और हर यूनिट सेल, हर कमरे के बॉडी सेंटर पर एक सीजियम आयन रखा हुआ। तो क्लोरीन आयन कितना सीजियम आयन से सराउंडेड है? जितने कमरे से सराउंडेड है, यानी कि आठ। गौतम कुमार बस जिंक क्लोराइड का इतना ही, सॉरी सीजियम क्लोराइड का यह भी इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर। इसके बाद है सीजियम क्लोराइड, इसको भी याद कर लीजिएगा। और एक और पता है जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर, इतना तक कंपटीशन में आपको आते रहता है और बोर्ड में भी ये तीनों सिलेबस में। एक और एक और जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर का नाम एग्जाम में जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। यह नाम मैंने नहीं दिया, जेडर इसका नाम ही होता है जिंक ब्लेंड। निखिल, निखिल राज, राज साहब आप गलत राज करते हैं। एक चीज बताओ, सोडियम क्लोराइड वाला जब क्रिस्टल लिया गया था तो उसमें क्लोरीन एटम कहां था? कॉर्नर पर था, और उसके साथ टचिंग कंडीशन में जो एटम रखा गया था सोडियम आयन, वो कहां था? एज सेंटर पर रखा हुआ था। कहां था? एज सेंटर पर रखा गया था, समझे? और एज सेंटर अगर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस कंसीडर करें तो दो तिहाई छह होता। लेकिन यहां पर सीजियम एटम एक्सिस पर नहीं रखा गया, वो क्यूब का बॉडी सेंटर पर रखा गया। निखिल राज, राज साहब समझ में आया? दोनों में डिफरेंसेस है, इसीलिए दूसरा चीज आया। और आदित्य, आयनिक सॉलिड का हीट टाइप है सर ये? यस, जिंक आयन है Zn2+ और एस है सल्फाइड आयन, Zn+ जिंक सल्फाइड, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसलिए थोड़ा कम हो जाता है इंपॉर्टेंट। इसमें डायग्राम वगैरह हम नहीं बनाएंगे, खाली इतना लिखेंगे कि सल्फाइड आयन कहाँ पाया जाता है, जिंक आयन कहाँ पाया जाता है। तो सल्फाइड आयन आपको पाया जाता है सल्फाइड आयन यहां पाया जाता है FCCl में, और Zn2+ आपको पाया जाता है अल्टरनेट पीपी। तो यूनिट सेल के अंदर में देखिए सल्फाइड आयन FCC में पाया गया है, तो
जेड कितना हो जाएगा इसका, चार हो जाएगा। एफसीसी में कोई भी पाया जाता है तो चार आइटम होते हैं, और चार है तो पीवी कितना होते हैं, एट होते हैं, लेकिन अल्टरनेट है तो एट का अल्टरनेट करिए यानी कि फोर होगा। यानी कि जब डेंसिटी निकालने जाएंगे जड़े रेस के लिए डेंसिटी कितना यूज करेंगे हम लोग, फोर यूज करेंगे। जेड कितना यूज करेंगे, फोर यूज करेंगे। अब आ जाइए कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ जेड एन टू प्लस क्या होगा, ऑफ सल्फाइड आयन क्या होगा। बस इतना ही इसके बारे में पढ़ो। एक चीज देखो, जेड एन टू प्लस रखा कहां गया है, तो टेट्राहेड्रल वॉइड में रखा गया। बताओ तो बेटा, टेट्राहेड्रल वॉइड में रखा गया किसी भी एटम को कितने पड़ाव से सराउंड करेंगे, चार। टेट्राहेड्रल वॉइड किनसे बनता है, चार आइटम से बनता है। उस वॉइड में रखा गया आइटम कितने लोगों से सराउंडेड रहेगा, चार लोगों से सराउंडेड रहेगा। इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ जेड एन टू प्लस कितना हो जाएगा, फोर। ठीक है, सल्फाइड आयन का कितना होगा, तो सल्फाइड आयन आपको एफसीसी अरेंजमेंट में, कितने अरेंजमेंट में, एफसीसी अरेंजमेंट में, यानी कि कॉर्नर पकड़कर चलिए, कॉर्नर पकड़कर चलिए। इस सल्फाइड आयन को टच कौन करेगा, तो वॉइड पर रखा गया, वॉइड पर रखा गया, टेट्राहेड्रल वॉइड पर रखा गया जेड एन टू प्लस। एक चीज बताओ मेरा बेटा, जो कॉर्नर पर रखा गया एटम है वो कितने कमरों में शेयर किया जाता है, कितने यूनिट सेल में शेयर किया जाता है, आठ। कितने, आठ कमरों में शेयर किया जाता है। और आपको पता है कि हर कमरे के कॉर्नर के नजदीक में एक टेट्राहेड्रल वॉइड होता है, याद आया, हर कमरे के कॉर्नर के नजदीक में एक टेट्राहेड्रल वॉइड होता है। तो आठ कमरे हैं, किसी भी कॉर्नर पर का एटम अगर रूम का कंसीडर करिए तो कॉर्नर पर का एटम आठ कमरों में शेयर्ड होता है, और हर कमरा में एक नजदीक में टेट्राहेड्रल वॉइड होगा। लेकिन लेकिन अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड में देखना है, आठ का आधा कर दीजिए यानी कि चार, तो कितने एटम से सराउंडेड होगा सल्फाइड आयन, चार जेड एन टू प्लस आयन से सराउंडेड होगा। समझ गए, मुझे पता है आप फिर से पूछिएगा, कहां गए गौतम, फिर से पूछो, फिर से पूछो, अरे पूछ लो भाई, कोई तो पूछो। देखिए पूछ लिए, फिर से सम, यह तो दिक्कत समझ में समझता हूं नहीं हुआ होगा कि जेड एन टू प्लस कहां है। जेड एन टू प्लस आपको अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड, अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड का मतलब टेट्राहेड्रल वॉइड, कोई भी जेड एन टू प्लस होगा, कोई भी जेड एन टू प्लस होगा वो चार सल्फाइड आयन से ही सराउंडेड होगा, तभी टेट्राहेड्रल वॉइड बनेगा। यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया चार, जेड एन टू प्लस आयन। अब रहा सल्फाइड आयन, अब रहा सल्फाइड आयन, उसी रूम जिस रूम में आप बैठे हो उसका वो कॉर्नर आप फिर से कोई एक पकड़ लीजिए, एकदम सीजियम क्लोराइड की तरह है। वो एटम आठ, आठ एक क्लोरीन एटम आठ सीजियम आयन से सराउंडेड था। ठीक है, आपको याद होगा जब मैं टेट्राहेड्रल वॉइड लोकेट कर रहा था तो मैंने आपको बताया था कि एफसीसी अरेंजमेंट में हर कॉर्नर के नजदीक एक टेट्राहेड्रल वॉइड था, है ना। तो जिस कमरे में आप बैठे हो, जिस कॉर्नर को आप देख रहे हो, ठीक है, उस कॉर्नर से क्यूब डायगोनल के अलोंग बढ़िए आपको एक टेट्राहेड्रल वॉइड वहां होता है। ऐसे ऐसे आठ कमरे
तो आठों कमरों में एक एक ऐसा टेट्राहेड्रल पर रखा गया एटम होना चाहिए Zn2+, लेकिन अल्टरनेट Zn2+ पाया जाता है, मतलब एक खाली तो एक रहेगा, एक खाली तो एक, आठ आधा कर देते कितना होगा चार, इसीलिए वो चार होता है। ये तीन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी खाली घटना है, बाकी लिख लीजिए, याद कर लीजिएगा, समझना नहीं, सब इसी के जैसा चलेगा, बहुत समझ लिए, बाकी खाली लिख लीजिए। तीन हो गया है, चौथा फ्लोराइड स्ट्रक्चर। फ्लोराइड स्ट्रक्चर, फ्लोराइड कहा जाता है CaF2, CaF2 कैल्शियम फ्लोराइड को फ्लोराइड स्ट्रक्चर कहा जाता है। इसमें आपको कैल्शियम आयन FCC में पाया जाता है, एंड फ्लोराइड आयन और टेट्राहेड्रल पैक्ट को फिल करता है। तो Z कितना हो जाएगा चार, और ये कितना हो जाएगा आठ, तो CaF2 कितना हो जाएगा चार। कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा कैल्शियम 2 प्लस का 8 हो जाएगा और क्लोराइड आयन का 4 हो जाएगा। हाँ ये सब रख लेंगे, जितना लिखा है इससे ज्यादा कुछ नहीं। इसके बाद एक पढ़ना होता है एंटी फ्लोराइड लिथियम ऑक्साइड पाया जाता है, कौन इसमें पाया जाता है लिथियम ऑक्साइड, आपको पाया जाता है ऑक्साइड आयन CCP होता है और लिथियम आयन TCB और लिथियम प्लस आयन होता है, ये और कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो लिथियम प्लस आयन जो टेट्राहेड्रल वाइड में उसका 4 हो जाएगा, ऑक्साइड आयन का 8। एक होता है कोरंडम स्ट्रक्चर, एक और क्या होता है कोरंडम स्ट्रक्चर, कोरंडम N2O3 अल्युमिनियम 3 प्लस होता है एंड ऑक्साइड है, अल्युमिनियम 3 प्लस होता है एंड ऑक्साइड है, ऑक्साइड आयन इसमें FCP एलिमेंट में होता है और अल्युमिनियम आयन यहां 2/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड आपको ऑक्यूपाई करेगा। एक और पढ़ना है रुटाइल स्ट्रक्चर, इतना ही सिलेबस में है, टाइटेनियम ऑक्साइड, टाइटेनियम आयन पाया जाता है वन बाय टू ऑफ ओजी
एंड ऑक्साइड एंड पाया जाता है HCl। बहुत इससे ज्यादा मैं नहीं समझता हूँ, कुछ आना नोट करिए। अरे ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, खाली तो लिख के इतना काम काफी है। ठीक है, लास्ट वालों का जो लिखे है उतना ही याद कर लीजिए। ठीक है, लिखा हुआ सब ठीक है, अब आगे माथा खपाना उसमें बंद कर दीजिए, खत्म हो गया। रट लीजिए आखिरी के 5 है, रट लीजिए, बाकी 3 है समझ लीजिए। चलिए अब हम लोग को सीखना है रेडियस रेशियो रूल। रेडियस रेशियो रूल टाइम हो जाए और कल हम लोग सीख लेंगे डिफेक्ट्स के साथ, ये आपका चैप्टर खत्म हो जाए। डिफेक्ट्स में क्या होता है कि लिखने वाला पार्ट में आपको फोटो खींच के भेज दूंगी, खाली थियोरिटिकल लिख लीजिएगा और मैं एक एक चीज आपको समझा दूंगा, इमेजिन करा दूंगा, तो इससे टाइम बचता है और कल सटेली आपको खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब आइए रेडियस रेशियो रूल। रेडियस रेशियो रूल पर भी क्वेश्चन आते हैं, ये सब कभी आता नहीं है वैसे, लेकिन पढ़ाना पड़ता है कभी भी जाए मेडिकल वगैरह में या छोटे मोटे एग्जाम्स में सब नजर आ जाते।
साइड से। कंपटीशन में सॉलिड स्टेट का जो वेलकम एक यहां से लिया था, कंपटीशन में सॉलिड स्टेट का रेडी यहां से लिए खाता था। देखिए यहां चार प्रोसेस होते हैं, एक ट्राइंगुलर अरेंजमेंट, ट्राइंगुलर अरेंजमेंट में क्या होता है कि गेस्ट एटम by host atom radius 0.155 से 0.225 तक है। coordination number 3 कहां पे देखिए, एक दो समझिए इसको बढ़िया से, समझिए आप इसको बढ़िया से। देखो जब ये बराबर का साइन ट्रू हो, मैथमेटिक्स समझ लो, जब ये इक्वल ये क्या है रेडियस ऑफ गेस्ट एटम एंड कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ होस्ट, तो जब ये बराबर आपको आएगा इक्वल टू का साइन होगी उस समय ये इसको टच करेगा, ये इसको टच करेगा और ये इसको टच करेंगे, ये तीनों एक दूसरे को टच करेंगे और बीच में रखा के एटम इन तीनों को टच करेंगे। और ये डायग्राम में पहले बना चुका हूं और उसमें इस एटम का रेडियस हम लोग निकाले थे 0.155 आर के बराबर आया था, याद आया आपको ट्राइगोनल फाइव, याद आया 0.155 के बराबर आया था, देख लीजिए पीछे व्हाइट्स में और जल्दी रेस्पॉन्ड करिए। आ गया था साकी, ये वही केस है ट्राइगोनल वॉइड में जब ये रखा जाए तो ये मोस्ट स्टेबल होता है और उस समय ये सारे एक दूसरे को टच करेंगे और ये भी तीनों को टच करता है, वेरी स्टेबल अरेंजमेंट। लेकिन जब इनके रेडियस को फिक्स कर दीजिए, मतलब कैपिटल आर को फिक्स कर दीजिए और धीरे धीरे इस रेडियस को बढ़ा करें, क्या होगा, ये इन तीनों के साथ टचिंग कंडीशन में तो होगा, ये एटम इन तीनों के साथ टचिंग कंडीशन में तो होगा, लेकिन इसको बड़ा करने से ये सब एटम जो है एक दूसरे से दूर जाने लग जाएंगे, यानी ये टचिंग कंडीशन इसका खत्म हो जाएगा, यानी सिस्टम का स्टेबिलिटी आपको डिक्रीज होगी। पहले कितना अच्छा था, ये भी टच कर रहा है, ये भी टच कर रहा है, ये भी टच कर रहा है, साथ साथ में ये तीनों को टच कर रहा है, लेकिन अब क्या है, ये तीनों को टच कर रहा है लेकिन ये लोग आपस में टच नहीं कर रहे, ऑब्वियसली स्टेबिलिटी डिक्रीज कर जाएगा और इसीलिए जैसे जैसे हम इसको बड़ा करते हैं, यानी कि इससे हम रेडियस रेशियो बड़ा करते चले जाते हैं, स्टेबिलिटी सिस्टम का घटते चला जाता है, और बड़ा करिएगा यहां और ज्यादा जगह हो, और बड़ा करिएगा और ज्यादा जगह हो, और एक ऐसा समय आएगा जैसे ही रेडियस आर बाई आर बढ़ते बढ़ते इसके बराबर हुआ, यहां पर एक चौथे एटम को आने का जगह बन जाता है, और यहां पर जब चौथे एटम को आने का जगह बन जाता है तो अब आपको गेस्ट एटम चार एटम से संबंधित होगा और उस समय आपको बी केस हो जाता है, इसको कहते हैं टेट्रागोनल अरेंजमेंट। और इस केस में चार एटम से सराउंडेड होगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर आपको फोर होगा और रेडियस रेशियो किसके बराबर होगा, तो रेडियस रेशियो आपको 0.225 से स्टार्ट होगा,
0.225 से स्टार्ट होगा और बढ़ते बढ़ते 0.414 तक जाएगा। देखिए डेरिवेशन भी आपको आ चुका है, इसीलिए मैं ये डेरिवेशन पहले किया था। यानी कि अब चौथे एटम को भी यहां घेरने का जगह मिल जाता है। अब चौथा एटम जब आएगा एग्जैक्टली ये चारों एटम को टच करेगा और ये चारों एटम भी एक दूसरे को टच करेंगे तो मोस्ट स्टेबल केस होगा और उस समय ये आपको टू हो जाएगा यहां। लेकिन फर्स्ट एटम के साइज को फिक्स करके नेक्स्ट एटम के साइज को और बड़ा करिएगा तो ये सारे टचिंग एटम एक दूसरे से फिर से दूर जाना शुरू करेंगे और स्टेबिलिटी सिस्टम का फिर से घटेगा और यहां पर स्पेस बढ़ने लगेगा ताकि पांचवें और छठे एटम को अकोमोडेट किया जा सके। और जैसे ही 0.414 के बराबर होता है हम नेक्स्ट केस में चले जाते हैं। ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट में चले जाते हैं, इस समय कोऑर्डिनेशन नंबर आपको 6 होता है और रेडियस रेशियो का फॉर्मूला होता है 0.414 आर बाय आर 0.73 और उसको बीसीसी अरेंजमेंट करते और उस समय आपको आएगा रेडियस रेशियो 0.732 आर बाय आर 0.999 और इस केस में कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाता है 8। अब कभी आपने केमिकल बॉडी में से क्वेश्चन पूछा था, शायद आदित्य तो पूछते ही रहता है, शायद किसी ने हमसे क्वेश्चन पूछा था केमिकल बॉडी जब मैं पढ़ा रहा था आप लोग के बैच में, इसलिए कैसे डिसाइड होता है कि किसी का शेप ऐसा होगा कि वैसा होगा कि वैसा होगा। मैं बता दूं आयनिक क्रिस्टल में इसी से डिसाइड होता है। बड़े एटम का रेडियस और छोटे एटम का रेडियस, बड़े एटम का रेडियस और छोटे एटम का रेडियस निकाल लीजिए। ये जितने मैंने उसका वैल्यू जिस कैटेगरी में आएगा उसी के आसपास उसका अरेंजमेंट है? तो इस तरीके से ये पाया जाता है। अब मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि रेडियस रेशियो देखिए, रेडियस रेशियो नियर टू वन है, रेडियस रेशियो नियर टू वन है, जिसका मतलब है कि बोथ कटायन एंड अनायन और गेस्ट एटम और होस्ट एटम आर कंपेरेबल इन साइज। जब आसपास साइज वाले कटायन और अनायन हो या गेस्ट एटम एंड होस्ट एटम हो तो ऐसे केस में कोऑर्डिनेशन नंबर 8 वाले पाए जाते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 8 वाले पाए जाते हैं, समझ गए? अब जितना आप दूर चले जाते हैं वन से, ये देखिए कितना कम है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर घटते चले जाते हैं। सीधा सा आप एक चीज दिमाग में रखिएगा कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा वाला चीज लेना है तो आयन और अनायन कंपेरेबल साइज का होना चाहिए और कोऑर्डिनेशन नंबर कम वाला केस लेना है तो कटायन और अनायन में साइज डिफरेंस ज्यादा होना चाहिए, रेशियो ज्यादा होना चाहिए, समझ गए? या बहुत कम होना चाहिए, समझ गए? चलिए नोट किया जाए। इसको नोट करिए और एक लाइन लिख लेते हैं नीचे, मेरा तो जगह है मैं ऊपर में लिख देता हूं, ऊपर में जगह है मैं लिख देता हूं। एटम्स ऑफ कंपेरेबल साइजेस फॉर crystal of
हाई कोऑर्डिनेशन। बस याद रखिएगा, एटम्स ऑफ कंपेरेबल साइजेस फॉर्म द क्रिस्टल ऑफ हाई कोऑर्डिनेशन। समझ गए? तो इस तरीके से ये थॉट आपका और कंप्लीट हुआ। इस पर एक क्वेश्चन करके देखा जाए, जो न्यू एटम आएगा तो सबसे टचिंग कैसे होगा? देखो आप तीन तरह से ले जाओ बोलते, एक ये और एक ये, ठीक है, और एक ये। तो ये जो अरेंजमेंट होता है ये स्टेबल कहा जाता है, इस अरेंजमेंट को भी स्टेबल कहा जाता है, लेकिन इस अरेंजमेंट को अनस्टेबल कहा जाता है। न्यू आइटम जो आता है वो वाइट में रखा जाता है, न्यू आइटम या जो छोटे साइज का आइटम होता है वो कहाँ रखा जाता है? आपको वाइड में रखा जाता है। पढ़े, अभी भी टाइम है, अभी क्रिस्टल डिफेक्ट को मैं आगे बढ़ा देता हूँ, नेक्स्ट डे से बात के डिस्कशन लेंगे। नोट करिए सारे, अगला चैप्टर आप लोग कौन पढ़ने वाले हैं मुझे बता दीजिए। अगला चैप्टर आप लोग कौन पढ़ने वाले हैं मुझे पहले बता दिए, चूंकि मुझे कल ही हो सकता है अगला चैप्टर स्टार्ट करना पड़े। केमिकल काइनेटिक्स सॉल्यूशन, केमिकल काइनेटिक्स आइसोमेरिज्म, सब लोग लिखिए आइसोमेरिज्म। लगभग सब लोग आइसोमेरिज्म चाह रहे हैं, ठीक है, ऐसे मरीज में स्टार्ट करूंगी। बहुत अच्छा चैप्टर है, उसमें रटना बहुत कम है, सारा चीज बुद्धि से काम हो, और बुद्धि तो आप लोग के पास ही है। आप लोग अपने पास जो पेन खराब हो चुके होंगे अलग अलग कलर पर, वो रख लीजिए, इमेजिनेशन के लिए काम आता है, समझ लीजिए। कम से कम 5-6 पेन रख लीजिएगा अलग अलग कलर का, इमेजिनेशन में आपको काम आएगा, ठीक है। अरे जियो समय सब एग्जाम में आता है, जो लोग मेडिकल के स्टूडेंट है उनको आइसोमेरिज्म में थोड़ा कम क्वेश्चन होता है, लेकिन इंजीनियरिंग के स्पिरिट का उनको ज्यादा क्वेश्चन होता है, ठीक है। और सब जगह आगे कहीं भी रिएक्शन मैकेनिज्म वगैरह लिख भी जाइए तो क्वेश्चन एक अक्सर पूछा जाता है कि हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आर फॉर्म, तो उस प्रोडक्ट फॉर्म पे भी आपको आइसोमेरिज्म घुसट देगा। अब जिसको आइसोमेरिज्म आता नहीं मैं बताऊं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे टफ चैप्टर आइसोमेरिज्म, एकमात्र चैप्टर आइसोमेरिज्म ही है जिसको समझने में एफर्ट लगाना पड़ता है, समझे। आइसोमेरिज्म जीओसी से भी टफ है, और जिसको आइसोमेरिज्म समझ में आएगा उसको ऑर्गेनिक जो है दाल भात का कौर लगने लगेगा। चलिए सब तो रोज चलते रहता है, बस देखिए क्रिस्टल डिफेक्ट्स।
डिस्कशन हम कल से स्टार्ट करेंगे, क्रिस्टल डिफेक्ट्स। अरे मैं नहीं डर रहा हूं और ना ही आपको डरा रहा हूं। क्रिस्टल डिफेक्ट, देखो दुनिया में कोई भी आदमी परफेक्ट नहीं, दुनिया में कोई भी ऑब्जेक्ट परफेक्ट नहीं, कोई भी मोबाइल इतना पैसा लगा के खरीदते हैं वो मोबाइल, ये मोबाइल भी परफेक्ट नहीं होता, हैंग करता है, चार्जिंग पर लगाने पर हीट करता है, हीट करता है कि नहीं करता है। मोबाइल को यूज करिए, गेमिंग के लिए यूज करिए या और भी देर तक किसी से बात करिए, मोबाइल हीट हो जाता है। एक चीज बताओ, मोबाइल बनाने वक्त मोबाइल इंजीनियर क्या जानबूझ करके उसमें सिस्टम डाल देता है क्या कि नहीं नहीं बात करोगे तो हीट हो जाएगा, बात करने लगेगा तो हीट हो जाएगा, ताकि उसको पता चल रहा है कि मोबाइल कट कर है ना, कॉल कट कर, ऐसा तो है नहीं। आईफोन 12 मैक्स प्रो नहीं कुछ होगा सर, ये आपको लगता है। मैं आईफोन भी यूज करके फेंक चुका हूं बेटा, बहुत गर्म होता है, ठीक है। अभी नया वाला तो नहीं है, पुराना वाला हमारा खत्म हो गया, 5-6 साल यूज कर, वो बहुत हीट होता था, उड़िया गए तो फिर हम छोड़ दिए। मैं ये आपको बताना चाह रहा हूं कि दुनिया में किसी भी चीज में परफेक्शन नहीं, वो हैंग करने लगा था, हैंग करने लगा था, उसका स्क्रीन बहुत छोटा था इसलिए छोड़ दिए। लोगों को देखते थे बड़ा बड़ा स्क्रीन वाला मोबाइल रखे हुए, हमारे पास था एक 4 उंगली के बराबर स्क्रीन था, कुछ करने नहीं था, छोड़ दिए। चलिए सब बात है, हम लोग अपना काम करते हैं। तो इसी तरीके से जब कोई सिस्टम परफेक्ट नहीं है, दुनिया में होने वाला कोई प्रोसेस परफेक्ट नहीं है, तो इसी तरीके से हमारा क्रिश्चियन सिस्टम भी परफेक्ट नहीं है। नीदर आई एम परफेक्ट, नीदर यू आर। तो इस तरीके से क्रिश्चियन भी इम्परफेक्ट होता है, ठीक है। इन्हीं सब चीजों को हमें पढ़ना, कितने तरह के इम्परफेक्शन होते हैं, किसका क्या मतलब होता है, जस्ट इंफॉर्मेटिव, ठीक है। लेकिन समझ जाइए, स्टार्ट करते हैं। चलिए लिखिए, ऐसे मैं समझाते जाऊंगा, लिखवाते जाऊंगा। रियल क्रिस्टल्स, रियल क्रिस्टल्स लिखिए, एनसीईआरटी का भी काम हो जाएगा आपका। रियल क्रिस्टल्स, रियल क्रिस्टल्स आर नेवर परफेक्ट। रियल क्रिस्टल्स आर नेवर परफेक्ट, लिखिए फुल स्टॉप के बाद लिखिएगा। ड्यू टू दिस इम्परफेक्शन, ड्यू टू दिस इम्परफेक्शन, ड्यू टू दिस इम्परफेक्शन, दियर फिजिकल कॉमा के बाद लिखिएगा। ड्यू टू दिस इम्परफेक्शन के बाद कॉमा दे दीजिए, दियर फिजिकल कॉमा केमिकल, फिजिकल मतलब होता है एग्जिस्टेंस, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, पानी में घुलेगा नहीं घुलेगा, ऐसे ऐसे। दियर फिजिकल केमिकल, केमिकल का मतलब रिएक्शन जाने वाला, डियर फिजिकल केमिकल कॉमा मैकेनिकल, उस पर हथौड़ा मारिए, उसको पटक दीजिए, इसको मैकेनिकल कहते हैं। फिजिकल केमिकल मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज of electronic properties may differ, may
डीपर। आप सोचते रहेंगे कि अरे ये तो सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल, इसमें तो ये ऐसे होगा ऐसे होगा ऐसे होगा ऐसे होगा। अरे वो तो आप सोच रहे हो परफेक्ट का सोच रहे हो, आपके हाथ में जो तो क्रिस्टल रखा गया उसमें कुछ इम्परफेक्शन है, तो उस इम्परफेक्शन के वजह से उसके प्रॉपर्टी में भी कुछ डेविएशन आएंगे, इसी को मैं लिखवा रहा हूं। ठीक है चलिए लिखिए पॉइंट डिफेक्ट्स। पॉइंट डिफेक्ट्स ये सब थोड़ा आसान रहेगा, थोड़ा क्या बहुत आसान रहेगा। पॉइंट डिफेक्ट्स, पॉइंट डिफेक्ट्स पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है कि जैसे परफेक्ट क्रिस्टल क्या होता है, परफेक्ट मार्क्स क्या होता है, आप टेस्ट किए 100 मार्क्स का टेस्ट है, 100 में 100 आपको आ गया, क्या बोलोगा परफेक्ट मार्क्स आए, है ना। परफेक्ट क्रिस्टल क्या होगा, परफेक्ट क्रिस्टल उस क्रिस्टल को कहते हैं जहां जहां सारे थ्योरेटिकल लैटिस पॉइंट्स पर जिन एटम आयन मॉलिक्यूल्स को रहना चाहिए था वो वहां ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो उस क्रिस्टल में किसी भी तरह का डिफेक्ट मौजूद नहीं, ठीक है नहीं होगा। लेकिन डिफेक्ट ही हमें पढ़ना, तो उसमें सबसे पहले आता है पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है, लैटिस पॉइंट पर या तो एटम आयन या मॉलिक्यूल होता है, अगर ये पार्टिकल अपने लैटिस पॉइंट से मिसिंग ड्यू टू सम रीजन, अगर ये पार्टिकल्स अपने रेस्पेक्टिव लैटिस पॉइंट से मिसिंग है ड्यू टू सम रीजन, वो सब नहीं पढ़ना है, ड्यू टू सम रीजन मिसिंग, अगर कोई पार्टिकल अपने थ्योरेटिकल लैटिस पॉइंट से मिसिंग है तो इस तरह का क्रिस्टल ढूंढो, पॉइंट डिफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा इसको, पॉइंट डिफेक्ट कहते हैं। जिनको जहां रहना चाहिए था वहां है सब तो परफेक्ट, और जहां रहना चाहिए वहां से भाग गए तो ही चार भागा तो इनपरफेक्ट समान, लेकिन अपना पॉइंट छोड़कर भागे हो ना, इसलिए इनको पॉइंट डिफेक्ट। चलिए लिखिए, इफ सम पार्टिकल्स, इफ सम पार्टिकल्स are missing, if some particles are missing from their theoretical lattice point, crystal is said to have point defect. The crystal is said to have point defects. लिखिए इसी में पॉइंट चेंज करके एक लिखिए। अब ये पॉइंट डिफेक्ट क्या है, तो असल में जैसे जैसे क्रिस्टल का टेम्परेचर बढ़ता है, उसके पार्टिकल्स थर्मल एनर्जी पाते हैं, और थर्मल एनर्जी पाने के साथ उसको अपने पोजीशन पर वाइब्रेट करने का टेंडेंसी बढ़ता है, और जब उस पार्टिकल को अपने पोजीशन पर वाइब्रेट करने का पोजीशन बढ़ता है, ज्यादा वाइब्रेट करता है अपने पोजीशन पर और कोई कम को वाइब्रेट करता है, कोई अगर ज्यादा वाइब्रेट किया तो वो अपना पोजीशन छोड़कर भाग जाता है, कोई अपना पोजीशन पर ऐसे है तो लौट जा रहा है इक्विलिब्रियम पोजीशन पर, तो कोई ज्यादा वाइब्रेट करने लगा तो फेंका गया कहीं, वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पर लौट कर वापस नहीं आया,
वो अपने ओरिजिनल पोजीशन से मिस हो गया। इस तरीके से जितना ज्यादा टेम्परेचर आप बढ़ाइएगा ऐसे टेंडेंसीज उतनी ही बढ़ते हैं और क्रिस्टल डिफेक्ट उतना ही ज्यादा होने लगता है। लिखा जाए पॉइंट चेंज करके लिखेगा पॉइंट डिफेक्ट इंक्रीजेस, ये सब थ्योरेटिकल क्वेश्चन में आएगा। पॉइंट डिफेक्ट इंक्रीजेस, पॉइंट डिफेक्ट इंक्रीजेस विच इंक्रीज इन टेम्परेचर, विच इंक्रीज इन टेम्परेचर विथ इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। नेक्स्ट, यानी कि टेम्परेचर बढ़ने से डिफेक्ट बढ़ता है, तो इसका उल्टा सोचिए, टेम्परेचर को घटने से डिफेक्ट घटना भी चाहिए। और ये सही बात, ऐसा कहा गया और माना गया कि एब्सोल्यूट जीरो केल्विन पर, एब्सोल्यूट जीरो केल्विन पर पार्टिकल्स के पास में किसी भी तरह का वाइब्रेशनल एनर्जी मौजूद नहीं होगा, तो अपने पोजीशन से क्यों खींचेगा, सारे अपने अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन थ्योरेटिकल पोजीशन पर बैठे रहेंगे एंड द क्रिस्टल वुड बी अ परफेक्ट क्रिस्टल। चलिए लिखिए इस पॉइंट को, एट एब्सोल्यूट जीरो, एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर द क्रिस्टल मे नॉट हैव, एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर द क्रिस्टल मे नॉट हैव, मे नॉट हैव एनी डिफेक्ट्स, द क्रिस्टल मे नॉट हैव एनी डिफेक्ट्स। ठीक है, अब आइए पॉइंट डिफेक्ट के टाइप को जानते हैं। पॉइंट डिफेक्ट तीन तरह के, पॉइंट डिफेक्ट आपको तीन तरह का होते हैं। एक स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट, एक स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट, इसी को इंट्रेंसिक भी कहा जाता है और इसी को थर्मोडायनेमिक भी कहा जाता है। एक होता है नॉन स्टोइकोमेट्रिक, एक स्टोइकोमेट्रिक, एक आपको होता है नॉन स्टोइकोमेट्रिक और एक होता है आपको इंप्योरिटी डिफेक्ट। ये तीनों आपको पढ़ने, ये तीनों आपको पढ़ने, ठीक है, नोट करिए, आगे बढ़िए। इनको स्टार्ट करने के पहले आपको मैं दो डिफेक्ट पढ़ाता हूं, इनको स्टार्ट करने के पहले दो डिफेक्ट पढ़िए।
पहले से किए है कैंसिलिंग फैक्टर। वैकेंसी डिफेक्ट में क्या होता है कि जैसे इन पार्टिकल का थ्योरेटिकल लैटिस पॉइंट जिसमें से एक आपको मिसिंग ठीक है, यहां पर भी एक पार्टिकल कराना चाहिए था लेकिन नहीं वो मिसिंग है, इस तरह का डिफेक्ट हम क्या कहते हैं वैकेंसी डिफेक्ट कहते हैं। ऐसा होने से वॉल्यूम तो इसका नहीं रहता, ऐसा होने से वॉल्यूम तो इसका नहीं घटा, स्पेसिंग नहीं घटा, लेकिन मास तो घट गया, इसीलिए ऐसे डिफेक्ट में डेंसिटी कम होता है। डेंसिटी क्या होता है? कम होता है। ऐसे सबस्टॉन्स जिसमें वैकेंसी डिफेक्ट होगा उसका डेंसिटी कम होगा। और दूसरी बात, टेम्परेचर बढ़ाने से पार्टिकल को अपने पोजिशन छोड़कर भागने का भी टेंडेंसी बढ़ जाता है। चलिए डायग्राम बनाइए, डायग्राम बनाइए। लास्ट वाला था इंप्यूरिटी डिफेक्ट, इंप्यूरिटी डिफेक्ट। चलिए डायग्राम बनाइए, लिखिए पार्टिकल्स आर एब्सेंट फ्रॉम, पार्टिकल्स आर एब्सेंट फ्रॉम देयर थ्योरेटिकल लैटिस पॉइंट। ये एनसीईआरटी का डेफिनेशन है बेटा, पार्टिकल्स आर एब्सेंट फ्रॉम देयर थ्योरेटिकल लैटिस पॉइंट, देयर थ्योरेटिकल लैटिस पॉइंट, देयर थ्योरेटिकल लैटिस पॉइंट, फुल स्टॉप के बाद लिखेगा। Due to this, molecular mass or density, of the crystal decreases. इसी में ऐड कर लीजिए, it increases with hitting the crystal. ठीक है, इसी में एक और होता है, इंटरस्टीशियल डिफेक्ट। इंटरस्टीशियल डिफेक्ट, इंटरस्टीशियल डिफेक्ट में क्या होता है? इस तरह से होता है, और कहीं पर खाली जगह है यहां कोई दूसरा आइटम बाहर से आता है, इसको टेक्निकली कहा जाता है फॉरेन पार्टिकल। क्या कहा जाता है इसको? फॉरेन पार्टिकल कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? फॉरेन पार्टिकल कहा जाता है। मतलब बाहर से आए, इसके आने की वजह से वॉल्यूम को बढ़ा नहीं, इसके आने की वजह से वॉल्यूम को बढ़ा नहीं लेकिन मास बढ़ गया,
इसी के इसमें खाली लाइट कर लीजिएगा कि डेंसिटी आपको इंक्रीज कर देता है, डेंसिटी आपको क्या करता है इंक्रीज कर जाता है, डेंसिटी आपको क्या कर जाता है इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। डेंसिटी क्या कर जाता है इस केस में इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। आज यहां पर रुकते हैं, सॉलिड स्टेट आई विल ट्राई टू कंप्लीट बाय टुमारो एंड देन वी विल स्टार्ट आवर सीरीज, ओके। थैंक यू, थैंक यू, बाय बाय फॉर नाउ।